हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ मेकअप ब्रशेस जो कि हैं नेब 3 के ब्रशेस, और इसे मैंने फ्लिपकार्ट से परचेज किया है। तो मैं आज आपको बताऊंगी इसकी क्वालिटीज कैसी हैं एंड इसका प्राइस कैसा है। ये बहुत ही कम प्राइस में आता है, इसलिए मैंने सोचा इसका रिव्यू करना तो बनता है कि आप लोगों को भी पता चले क्या ये ब्रशेस अच्छे हैं भी या नहीं। तो अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए देखते हैं ये मेकअप ब्रशेस कैसे हैं। तो ये मेकअप ब्रशेस मुझे कुछ इस तरह की पैकेजिंग में रिसीव हुए थे। तो सबसे पहले इसे ओपन करते हैं और देखते हैं ये किस क्वालिटी के हैं। तो आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह से है और हम इसे ओपन करेंगे और देखेंगे किस तरह से है ये ब्रशेस। एंड ये मुझे ये आप देख सकते हैं ये मेकअप ब्रशेस, ये टोटल 12 पीसेस हैं। तो मैं आपको सबसे पहले दिखाती हूँ इसमें जो फेस ब्रशेस हैं, इसमें तो तीन इसमें फेस ब्रशेस हैं एंड इसमें ये इतने आईज ब्रशेस हैं, आई शैडो के लिए हैं एंड ये आपके फेस ब्रशेस हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये वाला ब्रश। तो आप देख सकते हैं ये कुछ इस क्वालिटी का है एंड ये बहुत ही कॉम्पैक्ट है, बहुत ही छोटा सा है, हैंडी है, आप इसे ट्रेवलिंग में भी ले जा सकते हैं और ये बहुत ही सॉफ्ट है। इसके जो ब्रशेस है बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, बिल्कुल भी हार्ड ब्रशेस नहीं है ये। ये आप देख सकते हैं ये ब्रश आप फाउंडेशन लगाने के लिए या फिर फेस पाउडर लगाने के लिए यूज कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा रहेगा। एंड जो नेक्स्ट ब्रश है वो कुछ इस तरह से ब्रश है, ये आप देख सकते हैं ये भी बहुत ही सॉफ्ट है, इसके ब्रशेस भी काफी सॉफ्ट है। और आप ये ब्रशेस जो है कंसीलर अप्लाई करने के या फिर ये थोड़े से राउंड है तो आप इससे, ये इसकी जो बनावट है वो थोड़ा सा राउंड है तो आप इसे ब्लश यूज कर सकते हैं, ब्लश लगाने के लिए बहुत ही परफेक्ट ब्रश है ये। एंड जो नेक्स्ट ब्रश है ये आप देख सकते हैं इसके जो ब्रश है वो ये थोड़ा सा हार्ड है, ये उन ब्रशेस की अपेक्षा थोड़ा सा हार्ड है, ये सॉफ्ट नहीं है, ये आप देख सकते हैं। तो आप इस ब्रश का यूज चाहे आप कंसीलर लगाने के लिए यूज कर सकते हैं अपने आईज अंडर आईज के नीचे, या फिर आप इसे हाइलाइटर एज अ हाइलाइटर के लिए भी यूज कर सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा रहेगा। और ये थोड़ा सा राउंड है तो आप इससे कॉन्टोरिंग बहुत अच्छे से कर सकते हैं, तो कॉन्टोरिंग के लिए तो ये बहुत ही बेस्ट है। आप ऐसा कुछ नहीं है कि ये फिक्स है कि ये ब्रश इस यूज के लिए है, आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं, जैसा आपको समझ में आता है, जैसा आपको कंफर्टेबल हो उस तरह से आप यूज कर सकते हैं। तो आप इसे कॉन्टोरिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं या फिर आप इसे कंसीलर अंडर आई के नीचे लगाने के लिए यूज कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा रहेगा। आप इसे आईब्रो के किनारे जो है हाइलाइटर लगाने के लिए भी यूज कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा रहेगा ये ब्रश। तो अब हम बात करते हैं ये अपने आईज ब्रशेस की, जितने भी ये हमें आईज ब्रशेस काफी हैं इसमें, ये आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये वाला देख लेते हैं। तो ये एक स्पूली जो कि हमें आईब्रो पे जो है आईब्रो सेट करने के लिए ये हमें मिला है, अगर हम अपनी आईब्रो सेट करते हैं तो उसके लिए ये बहुत ही अच्छा रहेगा इस तरह से करने के लिए आईब्रोज को। तो ये हो गया, उसके बाद हम नेक्स्ट ब्रश जो है तो ये ब्रश कुछ इस तरह से है, ये टिप ब्रश है जो कि आप आई शैडो को ऐसे पैट पैट करके यूज कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा रहेगा। ये आप देख सकते हैं क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है, काफी कॉम्पैक्ट, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत लो क्वालिटी का लग रहा है और ये जल्दी टूट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ये आपका अच्छा खासा चलेगा। तो ये जो है आप इससे ग्लिटर भी अप्लाई कर सकते हैं काफी अच्छे से, ये टैप मोशन में आप यूज कर सकते हैं। एंड जो नेक्स्ट ब्रश है, नेक्स्ट ब्रश कुछ इस तरह से है, ये आप देख सकते हैं इसका जो ब्रशेस है वो बिल्कुल फ्लैट है, आप देख सकते हैं इसका जो ब्रश है ये बिल्कुल फ्लैट है। तो इस ब्रश को आप जो है अपने आईज के कॉर्नर पे भी यूज कर सकते हैं, जैसे आपको कट क्रीज बनाना है या फिर ऐसा कुछ करना है आई शैडो में तो आप इस तरह से यूज कर सकते हैं इसको, बहुत ही कॉम्पैक्ट रहेगा यूज करने में।
एंड नेक्स्ट ब्रश की हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट ब्रश इस तरह से है, बिल्कुल लंबा सा है, ये आप देख सकते हैं। तो इस ब्रश का यूज आप अपने आईज के कॉर्नर में हाइलाइटर लगाने के लिए बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप हाइलाइटर लगाने के लिए, उसके लिए ये बहुत ही कॉम्पैक्ट रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा आपके यूज करने के लिए। तो ये ब्रश आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। एंड जो नेक्स्ट ब्रश है, नेक्स्ट ब्रश आप देख सकते हैं, ये थोड़ा सा ऐसा ट्राइंगल में कट है इसका, ये आप देख सकते हैं। तो इससे बहुत अच्छा आईलाइनर लगता है। अगर आप जेल आईलाइनर लगाते हैं तो उसके लिए ये बहुत ही अच्छा है, जेल आईलाइनर लगाने के लिए, या फिर जो है आप स्मोकी आई करते हैं, स्मोकी आई करने के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा ये। और आईलाइनर लगाने के लिए आप हल्का सा यहाँ पे ऐसे टिप पे रखते हो और इस तरह से बन जाता है, बहुत अच्छा रहेगा। तो उसके बाद हम बात करते हैं इन मेकअप ब्रशेस की। अभी मेरे पास ये चार मेकअप ब्रशेस और हैं, तो आप देख सकते हैं ये ब्रश। तो ये भी ब्रश बिल्कुल उसी की तरह है, बस फ्लैट ब्रश की ही तरह है, बस उससे थोड़ा सा बड़ा है, बहुत ही थोड़ा सा बड़ा है। तो इसे भी आप आई शैडो लगाने के लिए यूज कर सकते हैं, इस तरह से आप टैप टैप करके यूज कर सकते हैं। ये इस तरह से इसमें फ्लैट दिया हुआ है, तो बहुत अच्छा रहता है कि आप एक बार में इस तरह से यूज कर सकते हैं। तो ये ब्रश भी अगर आप कई कलर का आई शैडो यूज करते हैं तो उसके लिए भी बहुत सही रहता है कि आपको एक ही ब्रश में कई बार लगाने की जरूरत नहीं होती। अलग अलग कलर का आई शैडो आप यूज करते हैं तो आपके पास कई ब्रशेस हैं, तो आप उसमें एक ब्रश से कोई दूसरा कलर, एक ब्रश से कोई दूसरा कलर, इस तरह से आप अप्लाई करने में आपको बहुत ही कॉम्पैक्ट रहता है। या फिर आप स्मोकी आई क्रिएट कर रहे हैं तो उसमें एक बार आपको ब्राउन कलर लेना है, एक बार आपको ब्लैक कलर लेना है, तो उसके लिए ये बहुत सही रहता है ब्रश। तो इस तरह से जब हमारे पास कई ब्रशेस रहते हैं तो हमारे लगाने में भी बहुत सही रहता है। उसके बाद हमारे पास हैं ये ब्रशेस आप देख सकते हैं, ये भी थोड़ा सा राउंड में है, ये देखिए थोड़ा सा इसका जो शेप है वो राउंड है। तो आप इससे चाहें तो आप इससे हाइलाइटर लगा सकते हैं अपने ब्रॉ बोन्स पे, यहाँ पे लगाने पे बहुत ही अच्छा रहता है हाइलाइटर जब आप यूज करते हैं इस जगह पे। तो ये काफी छोटा सा है तो आपको कॉम्पैक्ट रहता है लगाने में। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये ब्रश, थोड़ा सा जो जितने भी हमारे आई शैडो के जो ब्रशेस हैं ये थोड़े से हार्ड हैं, जितने हमारे जो स्किन के ब्रशेस है, फाउंडेशन एंड कंसीलर के ब्रशेस, उससे ये थोड़े से हार्ड है मुझे ऐसा लगा। बट आप यूज कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि प्रॉब्लम होगी यूज करने में। आप इसे हाइलाइटर लगाने के लिए बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट ब्रश जो हमारे पास है वो कुछ इस तरह से है ब्रश, कि आप देख सकते हैं। इसे भी आप आई शैडो लगाने के लिए या फिर आप ये आईज के कॉर्नर में हाइलाइटर लगाने के लिए यूज कर सकते हैं। तो इसमें जो आईज के ब्रशेस दिए गए हैं वो कई ब्रशेस है, तो आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि इस ब्रश से हमें यही चीज करनी है, जैसा आपको ठीक लगे आप उस तरह से यूज कर सकते हैं। एंड जो हमारे पास नेक्स्ट ब्रश है ये आप देख सकते हैं, ये थोड़ा सा थिक है, तो आप इससे जो है आईज के नीचे अगर आप काजल लगा रहे हैं, वाटर लाइन में काजल लगा रहे हैं, तो आपको ये थोड़ा सा ब्लेंड करने में अच्छा रहेगा। अगर आप इसे थोड़ा सा ब्लेंड कर देते हैं काजल को तो बहुत अच्छा लगता है, या फिर आपका आई शैडो भी ब्लेंड करने के लिए बहुत बढ़िया रहेगा ये ब्रश, क्योंकि इसके ब्रशेस थोड़े से ज्यादा बड़े हैं, थिक हैं, तो ये ब्लेंडिंग करने के लिए अच्छा रहेगा। ब्लेंडिंग ब्रश नहीं दिए हुए हैं, बाकी तो इसमें 12 ब्रशेस हैं, बट इसमें एक ब्लेंडिंग ब्रश होता तो ये बहुत ही अच्छा रहता। बट इसका जो प्राइस है उसके अकॉर्डिंग ये बहुत अच्छा है, इसका प्राइस आपको 200 में ये पड़ जाएगा, 150 या 194, इस तरह से इसके प्राइसेस आप देख सकते हैं, फ्लिपकार्ट हमेशा चेंज होते रहते हैं। लेकिन अगर इसमें ब्लेंडिंग ब्रश दिया होता तो बहुत अच्छा रहता, बट ओके ये ठीक है अपने प्राइस के अकॉर्डिंग। एंड मुझे इसका जो आई मेकअप के जितने भी ब्रशेस है ये थोड़े से थिक लगे इसके ब्रशेस जो है, बाकी आप इसके जो फाउंडेशन ब्रशेस थोड़े से छोटे छोटे हैं, आप देख सकते हैं इसके जो फाउंडेशन ब्रशेस हैं एंड जो कंसीलर ब्रशेस है वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है। इस तरह से आपको प्रॉब्लम नहीं होगी अपने फाउंडेशन को ब्लेंड करने में, या फिर आपको फेस पाउडर लगाने में, कॉम्पैक्ट लगाने में बहुत ही आसानी रहेगी। एंड मैं आपको एक चीज बताना भूल गई कि आप इन ब्रशेस में से किसी भी ब्रश से चाहे तो आप अपनी लिपस्टिक भी अप्लाई कर सकते हैं, लिपस्टिक लगाने के लिए भी बहुत सही रहेगा। मैं आपको बताती हूँ,
ये जो ब्रश है इससे आपको लिपस्टिक अप्लाई करने में बहुत अच्छा रहेगा। तो अगर आप लिक्विड लिपस्टिक अप्लाई करते हैं तो ब्रशेस से काफी अच्छे से लाइनिंग हो जाती है, लगाने में बहुत सही रहता है। तो आप चाहें तो इन ब्रशेस से आप लिपस्टिक भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये अपने प्राइस के अकॉर्डिंग ब्रशेस बहुत अच्छे हैं। अगर आपको ये ब्रशेस परचेज करने हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां आप चेकआउट कर लें। एंड वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना भी ना भूलें। एंड अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।